हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज का हमारा टॉपिक है फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड के बारे में, जो कि थॉमस हार्डी ने लिखा है। तो आइए पढ़ते हैं इस नॉवल के बारे में। ये जो फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड था, ये 1874 में थॉमस हार्डी के द्वारा लिखा गया फोर्थ नॉवल था और उनकी फर्स्ट लिटरेरी सक्सेस थी। ये जो नॉवल था, ये सेट किया गया था हार्डी के फिक्शनल रीजन, जो वेसेक्स शहर है वहाँ पर। ये वेसेक्स शहर साउथ वेस्ट इंग्लैंड में है और वेसेक्स थॉमस हार्डी के सभी नॉवेल्स में आपको देखने को मिलेगा। जो फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड है, इसका टाइटल थॉमस हार्डी ने थॉमस ग्रे की पोएम एलिजी रिटन इन ए कंट्री चर्चयार्ड से लिया है। तो स्टार्ट करते हैं इस नॉवल को पढ़ना। जब ये नॉवल स्टार्ट होता है तो बैथसेबा एवरग्रीन एक ब्यूटीफुल यंग लेडी है, जो एक यंग फार्मर गैब्रियल ओक से मिलती है। एक इवनिंग को गैब्रियल बैथसेबा की जान बचाता है और उससे शादी करने के लिए कहता है, लेकिन वह उसके प्रपोजल को रिफ्यूज़ कर देती है क्योंकि वह उससे प्यार नहीं करती। उसके बाद में जो बैथसेबा एवरडीन होती है, वो अपने अंकल के खेतों को लेने के लिए वेदरबरी शहर चली जाती है। एक दिन एक डिज़ास्टर के कारण गैब्रियल के खेतों को नष्ट होना पड़ता है। जो डिज़ास्टर है वो उसके खेतों को डिस्ट्रॉय कर देती है। गैब्रियल ओक अपनी सीप्स को, अपनी भेड़ों को खो देता है और उसे मजबूर किया जाता है कि वह अपना काम छोड़ दे। और गैब्रियल ओक काम की तलाश में वेदरबरी शहर चला जाता है। वहाँ वह बैथसेबा से मिलता है और उसे काम पर रख लेती है। बैथसेबा खुद खेत का काम सीखना चाहती है, इसलिए वह उसके नेबर मिस्टर वोल्डवुड से मिलती है। बैथसेबा से मिलने के बाद में मिस्टर वोल्डवुड उसका सेकंड लवर बन जाता है और उसे एक वैलेंटाइन भेजता है। बैथसेबा उसे भी मना कर देती है, वो बोलती है कि वह उससे प्यार नहीं करती। एक नाइट में बैथसेबा सर्जेंट ट्रॉय से मिलती है और उससे प्यार करने लगती है, लेकिन ट्रॉय बैथसेबा से मिलने से पहले ही एक लड़की फैनी रोबिन से प्यार करता है और उससे शादी कर लेता है। लेकिन जब वह बैथसेबा से मिलता है तो उससे प्यार का इजहार करता है। कुछ दिन के बाद में फैनी रोबिन ट्रॉय के बच्चे को जन्म देती है और मर जाती है। जब बैथसेबा को यह पता चलता है तो वह ट्रॉय को छोड़ देती है और ट्रॉय भी इस बात से शर्मिंदा होकर वहाँ से भाग जाता है। अब बोल्डवुड बैथसेबा से शादी करने की सोचता है। बोल्डवुड के घर में क्रिसमस पार्टी है और वहाँ पर ट्रॉय भी आ जाता है। बैथसेबा भी बोल्डवुड से शादी करने को तैयार हो जाती है, लेकिन जब बोल्डवुड ट्रॉय को देखता है तो वह ट्रॉय को गोली मार देता है। बोल्डवुड को ट्रॉय को गोली मारने के जुर्म में पनिशमेंट मिलती है और उसे जेल भेज दिया जाता है। कुछ महीनों के बाद में जो बैथसेबा रहती है, वो गैब्रियल ओक से शादी कर लेती है, क्योंकि जो अभी गैब्रियल ओक है वो एक रिच बेलिफ बन चुका है। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को ये नॉवल कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर करना मत भूलिए।